Assalamu alaikum, dear students. So, my dear students, we have completed our volume topic. रिगार्डिंग वोल्यूम वी डिस्कस अबाउट हाउ वी कैन कैलकुलेट द वोल्यूम फॉर डिफरेंट सॉलिड्स व सॉलिड इज़ अ रेगुलर और इरेगुलर ऑल्सो कल हमने जो डिस्कस करा था दैट वॉज अबाउट द लिकुड पार्ट हाउ वी कैलकुलेट द वाल्यूम ऑफ हाउ वी एवेलोएट द वोमिक्विड्स देर ऑफ हमने वो दो मैथड्स डिस्कस करे थे वन वॉज मेजरिंग बी कर एंड सेकेंड वॉज मेजरिंग सिलेंडर एंड दिस वॉज ऑल अबाउट योर टॉपिक वोल्यूम आज हम अपना टॉपिक आज हम ये लेक्चर जो है लेक्चर सीरीज में

दैट इज़ वाई वहाँ पर थ्री डायमेंशनल में हमारे थ्री डायमेंशन यूज हो यूज होते थे यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है एरिया रेफर्स टू द स्पेस यहाँ पर भी स्पेस है वहाँ पर भी स्पेस थी यहाँ पर भी स्पेस है लेकिन यहाँ पर क्या है स्पेस ऑक्यूपाइड बाई टू डायमेंशनल फिगर डिफरेंस यही है बस टू डायमेंशनल वॉल्यूम में थ्री डायमेंशन थे एरिया में टू डायमेंशनस होंगे आपके आर यू गेटिंग मी सो जो एरिया ऑक्यूपाई करेगी जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगी एक ऑब्जेक्ट लेकिन कौन सा ऑब्जेक्ट वो ऑबजेक्ट टू डायमेंशनल होना चाहिए टू डायमेंशनज इन देंस वो ऑब्जेक्ट जिसको हम डिस्क्राइब करते हैं बाई इट्स टू डायमेंशन सपोज लेंथ इन टू ब्रेथ जहाँ पे हाइट का जिक्र नहीं करेंगे हम और लेंथ इनटू हाइट जहाँ पे ब्रेड का जिक्र नहीं करेंगे हम विल नॉट टॉक अबाउट द थ्री ऑल द थ्री डायमेंशन वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट टू डायमेंशन एंड द स्पेस दैट विल भी ऑक्यूपाइड by द बाई by uh, dimensional figure usko hum उसको हम hain कहते हैं क्या कहते हैं उसको एरिया एंड uh, दूसरी बात ये, ये जो two डायमेंशनल्स हैं ना बेटा इसको हम ड्रा कर सकते हैं प्लान में प्लिन पे ड्रा कर सकते हैं या पेपर पे ड्रा कर सकते हैं अभी मैं जो ड्रा कर रहा हूँ ना फिगर सपोज मैं ड्रा करूँगा फिगर लेट अस सपोज आई एम ड्राइंग ए फिगर I आई शो यू I'm drawing a figure here. Suppose this is a circle. I'm drawing the circle on a paper. So it becomes two dimensional. आर यू गेटिंग मी यहाँ पे स्क्वायर आएगा रेक्टेंगल आएगा ट्राइंगल आएगा ऑल दीज फिगर्स जो हम ड्रॉ कर सकते हैं किसी पेपर पे पेपर क्या है टू डायमेंशनस है ओके okay? एंड ये जो स्पेस जितनी स्पेस ये ऑक्यूपाई करेगी जितना स्पेस ये ऑक्यूपाई करेगा जितना स्पेस ये ऑक्यूपाई करेगा वो हमारा पूरा क्या आएगा एरिया आएगा क्या आएगा पूरा एरिया सो माइंड दिस बेटा जो एरिया होता है इट इज़ द स्पेस दैट इज ऑक्यूपाइड बाई टू डायमेंशनल फिगर टू डायमेंशनल फिगर एक और डेफिनेशन है इसकी ये है कि जो अगर देखो इट्स रिस्ट्रिक्टेड टू द बाउंड्री अगर मैं सपोज़ कोई भी ऑब्जेक्ट लूँगा मैच स्टिक मैच बॉक्स है हमारी मैच बॉक्स ओके बेटा मैच बॉक्स को मैं क्या करूँगा मैच बॉक्स को रखूँगा मैं किसके ऊपर पेपर के ऊपर तो मैं इसकी बाउंड्री को ट्रेस करूँगा तो इसकी बाउंड्री सपोज ऐसी आई है जितनी ये स्पेस ये ये बाउंड्री जो इनक्लोज में दिस विद इन द बाउंड्री जो स्पेस इनक्लोज है उस उस उसको भी हम एरिया कहते हैं क्या कहते हैं उसको भी हम एरिया कहते हैं यहां पे मैंने दो डेफिनेशन आपको दी है देखो एरिया द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ टू डायमेंशनल फिगर ऑन ए प्लेन ऑन ए प्लेन जिसको हम ड्रा कर सकते हैं प्लेन पे पेपर पे उस चीज को हम क्या कहते हैं एरिया माइंड दिस बेटा रिमेंबर दिस एरिया के दो डायमेंशनस होते हैं ओनली दो डायमेंशन दैट इज़ वाई आई हैव रिटर्न हियर इट इज़ ऑक्यूपाइड बाई ए टू डायमेंशनल फिगर ठीक जिसको हम ड्रॉ कर सकते हैं पेपर पर पे, वो हमारा टू डायमेंशनल लाएगा जिसको हम नहीं कर सकते ड्रा सपोज सर्कल है टू डायमेंशनल सुफेयर को हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं पेपर पे सुफेयर पे. के रिलेटेड हमने पढ़ा है दैट इज वॉल्यूम थ्री डायमेंशनल फिगर और यू गेटिंग मी ठीक उसके बाद इट्स कॉल्ड एज एरिया इट्स कॉल्ड एज एरिया ऑफ द डैट ऑब्जेक्ट और एरिया इज ऑफ स्पेस एंड क्लोज विद इन द बाउंड्री एंड क्लोज विद इन द बाउंड्री ऑफ ए टू डायमेंशनल फिगर गेटिंग मी सपोज कोई भी फिगर लो लोगे आप उसकी बाउंड्री ट्रेस करोगे उतनी उस बाउंड्री में वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगी बिकॉज उसको हमने ट्रेस किया किसके ऊपर पेपर के ऊपर पेपर क्या है टू डायमेंशनल अरुगेटिंग में वो कोई शेप <coughs> अटेन करेगी जितनी जो भी शेप अटेन करेगी वो कितना सर, uh, स्पेस ऑक्यूपाई करेगी दैट इज सिंपली कॉल्ड इट्स एरिया एरिया एंड अगेन आई विल टेल यू के दो डायमेंशन होते हैं उसको हम डिस्क्राइब करते हैं इन टर्म्स ऑफ टू डायमेंशनल फिगर ठीक ओके दिस वाज ऑल अबाउट द एरिया अब देखो सिंपली जब हमने वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करा था वो पहले वो हमने वॉल्यूम की डेफिनेशन बताई थी उसके बाद वॉल्यूम uh, को हम कैसे मेजर करते हैं वाट आर द एस वॉल्यूम एंड वॉल्यूम को हमने कहा था कि इट्स एसआई यूनिट इज मीटर क्यूब जिसको हम क्यूबिक मीटर भी कहते हैं वाई बिकॉज मी क्यूब क्यों आया यहाँ पे यहाँ पे बिकॉज वी वे टॉकिंग अबाउट द थ्री डायमेंशनल फिगर सिंपल यहाँ पे एरिया को रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स दैट इज द मीटर स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर क्यों आएगा बेटा यस yes. बिकॉज यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट की बात करेंगे किस ऑब्जेक्ट की बात करेंगे टू डायमेंशनल फिगर की बात करेंगे ठीक दैट इज़ वाई वी टॉक अबाउट यहाँ पे दो डायमेंशन यूज़ होते हैं इधर लेंथ और ब्रैथ इधर लेंथ और हाइट इधर ब्रैथ और ओनली टू डायमेंशन यहाँ पे यूज़ होते हैं उनका प्रोडक्ट जब करेंगे तो मीटर स्क्यर आएगा दिस इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ मीटर ओके हाउ एवर अगर हम अगर हमने एरिया ऑफ लैंड निकालना होगा तो बिगर यूनिट्स हम यूज़ करेंगे उसके लिए और तो उसमें हमारे बहुत सारे बिगर यूनिट्स भी आते हैं सपोज़ हम किलोमीटर स्क्वायर की बात करेंगे हेक्टियर्स uh, की बात करेंगे दीज आर रिगॉर्डेड एज द बिगर यूनिट्स ऑफ एरिया हाउ अगर हम स्मॉलर यूनिट्स की बात भी करेंगे स्मॉलर यूनिट्स इन द सेंस कि सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा या मिलीमीटर mm स्क्वायर आएगा अगर हमने जो भी बुक होगी या मैच बॉक्स होगी या राउंड प्लेट होगा उसका हमने एरिया निकालना होगा तो हम क्या करेंगे सिंपली हम सेंटीमीटर स्के, हम स्केल का यूज़ करेंगे तो वहाँ से जो uh, आएगा वो हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा या मिलीमीटर स्क्वायर में आएगा तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इसका जो ऐसा यूनिट है एक्चुअली एसा यूनिट जो है दैट इज़ मीटर स्क्वायर हाउ एवर इसके बिगर यूनिट्स भी हो सकते हैं स्मॉलर यूनिट्स भी हो सकते हैं बट इसका ऐसा यूनिट जो है एरिया को हम मीटर मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर मीटर्स ठीक फिर आई बात अगर हम सॉलिड ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे देखो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे सॉलिड ऑब्जेक्ट्स और उसके बाद इरेगुलर सॉलिड्स एक तो रेगुलर ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो दूसरी बात इरेगुलर सॉलिड्स की बात आती है देखो हमने वॉल्यूम निकाला था सॉलिड्स का दो तरीकों से दो दो टाइप्स का होता था एक तो रेगुलर सॉलिड का होता था और दूसरा इ सॉलिड का होता था हमने डिफाइन किया था वॉल्यूम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे फॉर रेगुलर सॉलिड्स तो हमने वहाँ पे डिस्कस करा था कि वी विल फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ रेगुलर सॉलिड्स बाई सिंपली अप्लाइंग द फॉमूलाज यहाँ पर भी बिल्कुल सेम है हम एरिया जो है रेगुलर सॉलिड्स का कैसा निका कैसे निकालेंगे रेगुलर शेप्स का या रेगुलर सरफेस यहाँ पर हम सरफेसिस के बारे में अब देखो वहाँ पर हम डिस्कस करते थे रेगुलर सॉलिड्स का यहां पे हम रेगुलर सरफ़ेसेस का बोलेंगे आर यू गेटिंग रेगुलर सरफेस बिकॉज कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हम जिसकी जिसकी बाउंड्री हम ट्रेस कर सकते हैं ऑन ए पेपर उसका हम एरिया निकाल सकते हैं उसका जब जब एरिया निकालेंगे तो वहाँ पे दो डायमेंशनस उसका यूज होगा रिगेटिंग मी ओनली टू डायमेंशंस विल बी यूज इन कैलकुलेटिंग द एरिया फॉर सच सर्फेसिज ओके एंड वी विल टॉक हेयर फॉर रेगुलर सरफेसिज फर्स्ट उसके बाद हम रेगुलर सरफेसिज की बात करेंगे ठीक जिसका रेगुलर सरफेस इन देंस को जिसका जिसका सरफेस जो होगा उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद इट्स पर्टिकुलर डायमेंशन जिसकी फिक्स शेप होगी गेटिंग मी जिसका जिसकी लेंथ फिक्स्ड होगी जिसकी ब्रेड फिक्स्ड होगी गेटिंग मी सो दैट बिकम्स एज ए रेगुलर सरफेस ठीक हेयर आर सम ऑफ द फिगर्स तो वहाँ पर जब हम डिस्कस कर रहे थे वॉल्यूम रिगार्डिंग द रेगुलर सॉलिड्स तो हमने वहाँ पर डिस्कस करा था कि वी कैन फाइंड आउट वी कैन ही वी विल फाइंड आउट द वॉल ऑफ रेगुलर सॉलिड्स बाई अपलाइंग द मैथेमेटिकल फार्मूलाज ठीक वो आपको याद होगा अच्छे से अब यहाँ पे भी सेम होगा जब हम एरिया निकालेंगे अबाउट द रेगुलर रेगुलर सोफियरस का रेगुलर सॉरी सरफेसिस का जब हम एरिया निकालेंगे रेगुलर सरफेसिस का सिंपली यहाँ पे क्या करना है हमने अप्लाई करने हैं मैथमेटिकल फार्मूलाज बेसिक मैथेमेटिकल फार्मूलाज जो है हमारे पास वो हमने डिस्कस करना है वो हमने अप्लाई करके हम एरिया निकाल सकते हैं उन चीज़ों का उन सरफेसिस का ठीक तो यहाँ पे रेगुलर सरफेस जो है हमारे पास सर्कल आता है पहला सर्कल आता है उसके बाद स्क्वायर आएगा उसके बाद ट्राइंगल आएगा उसके बाद रेक्टेंगुलर आएगा ऑल द फोर सरफेसिस दे फॉर्म द रेगुलर सर्फेस दे फॉर्म द रेगुलर पहली बात तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे सर्कल के बारे में लेट अस सपोज दिस इज़ अ सर्कल दिस इज अ रेगुलर सरफेस तो उसका हम एरिया कैसे निकालेंगे बेटा यहाँ पर आपको पता है कि सेंटर से ये वाली डिस्टेंस है उसको हम रेडियस कहते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल ठीक तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे इट इज़ अ टू डायमेंशनल फिगर माइंड मैंने आपको पहले ही टॉपिक में बोला था कि स्फियर सर्कल में ये डिफरेंस है कि सर्कल जो है सर्कल इज आर टू डायमेंशनल फिगर एंड सफ़ियर इज आर थ्री डायमेंशनल फिगर सफ़ियर का वॉल्यूम निकाल सकते हैं एरिया नहीं इसका एरिया निकाल सकते हैं वॉल्यूम नहीं किसका सर्कल का ठीक तो एरिया इसका इक्वल होता है देखो एरिया ऑफ ए सर्कल विल इक्वल टू पाई पाई इंटू ये जो आर है आर का स्क्वायर सो पाई आर स्क्वायर इज़ द एरिया ऑफ़ ए सर्कल आपको ये याद रखना है हाउ वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ ए रेगुलर पहल पहली बात तो हमने सर्कल की की थी दिस इज़ अ सर्कल हुज रेडियस इज आर सेंटीमीटर कोई भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे इसकी भाई फार्मूला से निकालेंगे तो फार्मूला क्या है पाई इंटू आर स्क्वायर पाई का जो वैल्यू है थ्री पॉइंट वन फोर जो आपको पता है और ट्वेंटी टू बाई सेवन ये आपको पता होगा ठीक है सो so, पहली बात तो क्लियर होगी कि सर्कल का जो एरिया होता है वो किसके इक्वल होता है पाई इन आर स्कैर आपके न्यूमेरिकल्स में ये गिवन होगा अगर सपोज कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए सर्कल हु इज रेडियस इज फाइव सेंटीमीटर तो आप अच्छे से निकाल सकते हो रेडियस गिवन है पाई का वैल्यू भी गिवन होता है थ्री पॉइंट वन फोर इसको मल्टीप्लाई करके आप एरिया निकाल सकते हो और जहाँ पर भी आपका जो भी आंसर निकलेगा वहाँ पर आपको मैंशन करने हैं यूनिट्स वो हम बाद में डिस्कस करेंगे हम कैसे जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके रिलेटेड ठीक दिस वॉज ऑल दिस वॉज अबाउट द सर्कल अब हम सेकेंड फिगर की बात करेंगे वो हमने यहाँ पे लिखी थी सो so, अगर हम बात करेंगे ट्राइंगल एंगल की ट्राई एंगल ट्राई एंगल ओके okay? जिसके तीन एंगल्स होते हैं ट्राई एंगल्स हो गए फिगर बिकम्स ए ट्राइंगल एंड जिसपे ये रेस्ट करता है उस चीज को हम बेस कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज बेस ऑफ ए ट्राइंगल जिस पर यह रेस्ट करेगा ट्राइंगल जिस पर रेस्ट करेगा उस फि fig... उस साइड वाले को हम क्या कहते हैं बेस एंड दिस इज द हाइट हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल एंड दिस इज हाइट याद याद थे जो गोबर में सो दिस इज द हाइट ऑफ ए ट्राएंगल और दिस इज द बेस ऑफ ए ट्राइंगल ठीक अब हम यहां पर दो डायमेंशन यूज होते हैं एक बेस और दूसरी हाइट इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल सो एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होता है याद रखो एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल था पॉइंट और अब एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है उसको हम ऐसे निकालते हैं वन बाई टू दैट मीन हाफ वन बाई टू मीनस हाफ हाफ को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ बेस के साथ बेस तो बी के साथ एंड हाइट के साथ हाइट के साथ सो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है हमारा हाफ ऑफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड हाफ ऑफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड गेटिंग में इसको हाइट को ऑल्टीट्यूड भी कहते हैं ऑल्टीट्यूड ओके okay? और इसको हम हाइट कहते हैं मैं फिर से रिपीट करूंगा जो ट्राइंगल है हमारा सपोज़ ट्रायंगल जिस पे रेस्ट करेगा उसको हम बेस कहते हैं एंड ये इसकी हाइट जो है वो हम कुछ भी लेंगे सपोज एच लिया है बी को बेस को हमने बी लिया है तो हम इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे हाफ वन बाई टू करके इंटू बेस और इंटू हाइट सपोज अगर आपको क्वेश्चन में ये गिवन होगा कि आपकी फिगर में आपके ट्राइंगल में बेस फाइव सेंटीमीटर है हाइट सिक्स सेंटीमीटर है कैन यू फाइंड आउट द एरिया येस कैल वी कैन ईजिली फाइंड आउट द एरिया बाई अपलाइंग द फॉर्मूला ए विल बी इक्वल टू वन बाई टू इंट बेस जो गिवन होगा क्वेश्चन में एच जो गिवन होगा क्वेश्चन में होम वी कैन फाइंड आउट द एरिया ओके दिस वॉज ऑल अबाउट द ट्राइंगल नाउ थर्ड फिगर जो हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट area to find out the regular surfaces area to find out for that regular surface is third square देखो स्क्वायर आपको पता है वो फिगर है हमारे पास जिसमें सारे के सारे साइड्स इक्वल होते हैं ठीक है तो अब देखो बेटा अगर हम स्क्वायर की बात करेंगे तो एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकालेंगे देखो एरिया में ओनली दो डायमेंशन यूज़ होते हैं एक लेंथ और ब्रैथ होगा ठीक है दिस इज ऑल अबाउट द एरिया बिकॉज वी आर कनेक्ट वी आर इन टच विद ओनली टू डायमेंशनल फिगर्स यहाँ पे सपोज़ अगर हम साइड देखो यहाँ पे सारे साइड्स इक्वल होंगे सारे साइड्स इक्वल होंगे साइड इसको मैंने साइड माना है इसको भी मैंने साइड माना है ये दोनों दोनों इक्वल होंगे अब सिंपली हमने क्या करना है एरिया ऑफ स्क्वायर को हमने इस साइड को साइड इंटू साइड साइड इंटू अब यहां पे मैंने सर मैं क्यों दो ही साइड्स लेता हूं यहां पे बिकॉज स्क्वायर में आपको पता है कि एरिया में आपको पता है कि हमने दो डायमेंशनस ओनली यूज करने जो देखो जब क्यूब की क्यूब की बात कर रहे थे हम क्यूब में हम तीनों डायमेंशनस यूज करते थे लेंथ भी लेंथ भी ब्रेथ भी हाइट भी बिकॉज क्यूब में हम वॉल्यूम फाइंड आउट करते थे आर यू गेटिंग मी अब यहाँ पे स्क्वायर है स्क्वायर में हम ओनली दो डायमेंशन यूज करेंगे लेंथ और ब्रेथ बट यहाँ पे लेंथ भी सेम है ब्रेथ भी सेम है तो सिंपली यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होगा साइड इंटू साइड साइड इंटू साइड आर यू गेटिंग मी अगर देखो आपके क्वेश्चन में ये गिवन होगा कि फाइंड आउट कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए स्क्वायर हुज़ वन साइड इज फोर सेंटीमीटर अगर एक ही साइड गिवन होगा तो आपको पता है कि स्क्वायर का पता होगा स्क्वायर का एरिया कैसे निकालेंगे फोर इंटू फोर दैट मीनस इट विल बी इक्वल टू सिक्सटीन सेंटीमीटर स्क्वायर जो हम बाद में भी करेंगे न्यूमेरिकल्स में ठीक है सिंपली अगर हम स्क्वायर की बात करेंगे तो स्क्वायर में हम एरिया कैसे निकालते हैं साइड इनटू साइड साइड इनटू साइड याद रखो ये बेटा ओके चलिए अब हम फोर्थ एंड लास्ट फिगर की बात करेंगे दिस इज रेक्टेंगल रेक्टेंगल में अब देखो लेट अस सपोज दिस इज एल एंड दिस इज़ बी आर रिगेटिंग मी दिस इज़ बी ओके अब इसका फाइंड आउट करेंगे स्कै एरिया हाउ टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल रेक्टेंगल कौन सा सरफेस बन जाता है हमारा रेगुलर सरफेस बनेगा तो इसका सिम्पली एरिया कैसे कैसे फाइंड आउट करेंगे ए विल भी इक्वल टू लेंथ इन टू ब्रेड ये आपको पता होगा लेंथ इं टू ब्रेड कोई भी फि कोई भी किसी भी क्वेश्चन में अगर ये डायमेंशन ग्यवन होंगे कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल हुज लेंथ इज फाइव सेंटीमीटर ब्रेड इज फोर सेंटीमीटर वी हैव टू जस्ट प्रोडक्ट मल्टीप्लाई द डायमेंशन एंड

रिमेंबर करना है ये अपने रट लेना है क्रैम करना है ये फार्मूलाज ओके okay? अब देखो ये ट्राइंगल जो है ट्राइंगल की ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाल सकते हैं हम एरिया ऑफ यस एरिया विल बी इक्वल टू हाफ इं बेस जिस पे रेस्ट कर रहा है ट्राइंगल इंट हाइट हाइट को ऑल्टीट्यूड भी कहते हैं तो दूसरी फिगर हम ट्राइंगल के बारे में हमने डिस्कस किया है हाउ वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल बाय अपलाइंग द फॉर्मूला इक्वल टू हाफ अस बेस टू ऑल्टीट्यूड ओके सो नंबर थर्ड फिगर जो है वो हमारी हमारा स्क्वायर आता है स्क्वायर में सारे साइड्स इक्वल होते हैं तो सिंपली दो डायमेंशन यूज़ करो एरिया विल बी इक्वल टू साइड इन साइड एरिया विल बी इक्वल टू साइड इं साइड एंड लास्ट एंड लास्ट फिगर जो हमारे पास थी दैट वाज रेक्टेंगल इट्स आल्सो ए रेगुलर सरफेस तो रेक्टेंगल का सिंपली लेंथ इं टू लेंथ इं एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे लेंथ इं टू सो दिस वॉज ऑल अबाउट यूर टूडेज टॉपिक दैट इज़ हाउ वी कैन फाइंड आउट द Um, area for uh, different uh, regular surfaces. We talked about s square, square. We talked about rectangle. We talked about circle and triangle. Okay, so this was all about for today's topic. Thank you and Allah